हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। गाइस हमारा जो है बैटल चल रहा है, देख सकते हैं 26-25 का स्कोर चल रहा है। ठीक है, 4 अटैक्स मैंने 3 बेस क्लियर किया है और ये ओपोनेंट 1-2-1 काफ़ी मुश्किल है ओपोनेंट्स को। ठीक है, एक अटैक जो मेरा हुआ था वो जो है टाइम आउट हो गया था। ठीक है, 4% से। ओके ठीक है, ये बेस नंबर 1 पे हाइब्रिड आर्मी लेके आए हैं, क्वीन चार्ज स्टार्ट कर दिए हैं और क्वीन को इन जो है ले जाने के लिए वॉल ब्रेकर्स, क्वीन को मैं डायरेक्ट यहाँ से क्लैन कैस्टल भेजना चाहता हूँ। क्लैन कैस्टल भेजने, देखो मुझे क्लैन कैस्टल मिल जाएगा, किंग मिल जाएगा और इन्फेर्नो के पास अगर क्वीन जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो सिंगल इन्फेर्नो है और जब तक वहाँ पहुँचेगी तब तक क्वीन डेड होने के चांस ज़्यादा है। ओके, रेज यूज़। ठीक है, यहाँ पर जो है 4-5-6 डिफेंस जो है क्वीन को एक साथ कैप्चर कर रखे थे, इसलिए क्वीन रेज होने के बाद भी पावर एक्टिवेट हो गई, इस चीज़ का ध्यान रखें क्वीन का। ओके, जो नेक्स्ट वाला वॉल ब्रेकर था उसने कुछ खास काम नहीं किया, राइट की वॉल तोड़ी है, कुछ प्रॉफिट तो नहीं हुआ उससे। क्वीन डायरेक्ट लग रहा है इन्फेर्नो पे जाने वाली है क्योंकि सामने किंग है। ओके, क्वीन वॉल ब्रेक करके इन्फेर्नो पे ही जाने वाली है। ले फ्लिंगर आ रही है फ्रंट से, किंग। ओके, किंग हमारे पास है ही नहीं, किंग का क्या ही कर सकते हैं, किंग अपग्रेड पे चल रहा है। किंग अपग्रेड अभी उसका 10 लेवल बचा हुआ है। किंग इन्फेर्नो सब एक साथ आ गए हैं, क्वीन अगर डाइवर्ट होती है तो क्वीन का डेड होना पक्का है। ओके, एक और लास्ट फ्रीज स्पेल बचा हुआ है, इन्फेर्नो फिर से फ्रीज, क्वीन भी आ गई एक साथ। सीसी के ट्रूप्स मुझे लगा था कि ठीक है, बाकी मेरे डोनेशन दिए गए थे, इस पर नहीं दिए गए हैं, तो पॉइजन मैंने क्वीन पर डाल दिया कि क्वीन थोड़ी सी स्लो हो जाए और मेरी क्वीन जो है हील करके जो है जल्दी से क्लियर कर दे। क्लियर हो चुका है, क्वीन को सेव कर चुके हैं ग्रैंड वार्डन रेस्ट आर्मी और सिंगल अर्चर जो मैंने ले रखा था उसको फ्लिंगर के पीछे डाल दिया, जिससे वहाँ से वो क्लियर करते हुए आए वन शॉट ही। रेस्ट आर्मी सेंटर पे जा रही है, मेरे पे 2 हीलिंग स्पेल बचे हुए हैं। ठीक है, एक यूज़ कर चुके हैं और दूसरा यूज़ करेंगे जो मल्टी इन्फेर्नो है वहाँ पे। जो मल्टी इन्फेर्नो वो पता ही होगा काफ़ी सारे ट्रोप्स को डेड कर सकता है, इसलिए वहाँ पे यूज़ कर देंगे, इससे मल्टी इन्फेर्नो के डैमेज से मेरे ट्रोप्स बच सकें। बाकी क्वीन और फ्लिंगर वो तो आ ही रहे हैं। ओके, फ्लिंगर ब्लास्ट हो चुकी है, एक्स्ट्रा हॉग्स आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी इजी क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वीन का क्या सीन चल रहा है, क्वीन 1 HP लेफ्ट, थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ सही था कि जो है जैसे हॉक्स जो है यहाँ डिफेंस को ब्रेक करने राइट में आ गए और 2-3 माइनस जो है लेफ्ट चले गए हैं, तो लेफ्ट राइट दोनों जो है काफ़ी ईजी क्लियर हो गए। और यहाँ पर 3-स्टार देख रहे हैं, क्या ही ईजी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं बेस नंबर 2 की तरफ डायरेक्ट। बेस नंबर 2 पर भी हाइब्रिड आर्मी लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे बैटल विलिंग पड़ा जैसा थोड़ा रिस्की था, इसलिए जो है तो सबसे पहले पता होगा क्वीन को जो है ग्रैंड कैस्टल ट्रूप्स में जो है यूज़ करने के लिए ले आता हूँ डेड करने के लिए। तो क्वीन जो है डायरेक्ट सीसी की तरफ बढ़ते हुए, और अगर इन्फेर्नो का चांस कम है, ठीक है, आर्टिलरी जो है मिलने की चांस ज़्यादा है, आर्टिलरी मिल जाती है तो और भी अच्छा रहेगा। और टॉप साइड से जो है फिर से एक बार फ्लिंगर, देखो फ्लिंगर मैं हमेशा उस साइड से लेके आता हूँ जहाँ से एक्सबोस ना पकड़ सके, उसे थोड़ा टाइम मिले क्योंकि मेरे पास किंग नहीं है तो मैं किसी बेट नहीं कर सकता, तो इसलिए फ्लिंगर का मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। क्वीन ने काफ़ी बढ़िया से इसी डेड कर दिया है मेरे पे। ओके, वॉल ब्रेकर नहीं है, अब क्वीन पर डिपेंड करता है वो लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी। ऐसे देखो फ्लिंगर अगर जो है टॉप साइड क्लियर कर देती है, क्वीन जो है लेफ्ट जो है चली जाती है, तो सेंटर पे जो है काफ़ी इजी हो जाएगा हमारा माइनर और हॉग लेके आने पे। अभी देखो मैंने फ्लिंगर के पास जो है, ठीक है, 1-2 माइनर्स जो है मैंने डिप्लॉय कर दिया क्योंकि अगर हॉग राइडर्स इन जाता है बट माइनर का जो है चांस है कि जो है राइट भाग जाएगा वो, क्योंकि जो है सेंटर पे कुछ है नहीं। 2-3 माइनर्स जो है मैंने थोड़ा क्लियर के लिए यूज़ किया और बाकी जो रेस्ट आर्मी है डायरेक्ट सेंटर पे डिप्लॉय कर दिया। और सेंटर पे मुझे लग रहा है उसने सारे ट्रैप्स रख रखे होंगे इस बंदे ने, इसलिए जो है लास्ट रेज है क्वीन पर ना करके मैं सोच रहा हूँ टाउन हॉल पे ही किया जाए, क्योंकि देखो क्वीन के अभी जो है HP काफ़ी है, क्वीन के पास एबिलिटी पड़ी हुई है, कोई इशू नहीं है। चलो रेज, ओके, टोर्नेडो ट्रैप, बॉम्ब ट्रैप, स्केल्टन सब जो है रखे हुए हैं सेंटर में ही। फ्लिंगर काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है, फ्लिंगर अभी सबकी रेंज से बाहर है। क्वीन की पावर जो है वैसे यूज़ ना करते तो भी चल रहा था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा फास्ट डिफेंस क्लियर करें तो जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। ओके ठीक है, हमारे सारे हॉग राइडर्स मर चुके हैं, सिर्फ माइनर्स बचे हुए हैं। अब लास्ट ऑप्शन जो है वो है फ्लिंगर। ओके, फ्लिंगर के हॉग्स आ चुके हैं और अब ये करेंगे क्लियर। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होने वाला था, ठीक है, यहाँ पर
जहाँ तक मुझे स्पेस का जो है प्रॉपर याद है कि इस पर टाइम आउट होने वाले थे कुछ लगभग 15 या 10 सेकंड्स के आसपास जो है हो गया था क्लियर। इसका ये सीन था, ओके बट ओके फ्रीज हो गया था। तो यहाँ पे ये सीन था कि हॉग राइडर्स जो है डिफेंस डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में जो है लेफ्ट आ गए थे और क्वीन और माइनर वो जो है राइट पे, ओके माइनर नहीं आए, क्वीन ही आई खाली, क्वीन जो है लेफ्ट पे बहुत ही बढ़िया क्लियर कर दिए थे। ठीक है दोनों साइड से खैर फ्रीज हो रहा है, आई डोंट नो किस लिए। चलिए बेस नंबर थ्री पे, बेस नंबर थ्री का अटैक देखने लायक था। आई मीन यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया था। ठीक है मैं डायरेक्ट इन्फेर्नोस पे, जहाँ जो है दो इन्फेर्नोस दिख रहे हैं उनके बीच में जो है लावा और बैटल ब्लिंप का यूज़ करके जो है डिस्ट्रॉय करने वाला था। मेरा जो है टारगेट था जो है कम से कम दो एयर डिफेंस और जो है दोनों इन्फेर्नो और दोनों एक्सपो डाउन करना। तो ठीक है देख सकते हैं लावा बेट के लिए यूज़ किए थे जिससे हमारा फिंगर प्रोटेक्ट रह सकते हैं, ग्रैंड वार्डन भी यूज़ कर सकते हैं बट ग्रैंड वार्डन मैंने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि यहाँ पे इजी लावा बेट कर सकता था। बाकी सब स्पेल, अब इनविजिबल स्पेल लास्ट बचे हुए हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके दो दो जियांड बम फट गए, काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पर। ठीक है ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा कह सकते हो कि बेट के चक्कर में मैं खुद बेट हो गया था। पहले मैंने सोचा कि मैं जो है राइट वाला एयर डिफेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैंने देखा कि किंग और सीसी के ट्रूप्स इनको लेना भी ज़रूरी है, तो मैंने एक यहाँ यूज़ कर दिया एक वहाँ यूज़ कर दिया, दोनों के चक्कर में ना मुझे एयर डिफेंस मिला और ना ही सीसी ट्रूप मिला। कोई दिक्कत नहीं, सीसी ट्रूप में जो है बैलून तो डेड हो गया, बैलून कुछ खास था नहीं। अब बचा इलेक्ट्रो, उसकी भी एचपी थोड़ी बहुत डाउन है, क्वीन संभाल लेगी इसको। देखो क्वीन अगर लेफ्ट जाती है तो उसका क्या प्रॉफिट रहने वाला है, जो दो एयर डिफेंस है दोनों एयर डिफेंस क्वीन ईजी डेड कर देगी। और राइट साइड ड्रैगन्स को लिए ईजी हो जाएगा, उनको सिर्फ एक ही एयर डिफेंस से जो है सामना करना पड़ेगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलो क्वीन हमारी लेफ्ट आ गई है, ठीक है ड्रैगन्स पहले थोड़ा सा क्लियर करेंगे उसके बाद बाकी रेस्ट ड्रैगन्स, जिससे कोई भी राइट ना जाए। देखो क्वीन की साइड आ जाएंगे तो जो एयर डिफेंस यहाँ पे दो पड़े हुए हैं, ओके एक डाउन हो गया, एक जो बचे हुए हैं डैमेज काफ़ी देगा इसलिए ओके क्लियर हो गया सारे यूज़ और सब। देखो एक लास्ट एयर डिफेंस जो बचा हुआ है उसको ड्रैगन जो है, ओके मैंने यहाँ थोड़ा ग्रैंड वार्डन की पावर में जल्दी कर दी, ठीक है तब करना था तो जब ज़्यादा डैमेज ले रहा हूँ, जब आर्टिलरी का शॉट आ रहा हूँ। क्वीन बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, क्वीन वर्सेस क्वीन होने वाला है, क्वीन एयर डिफेंस को ब्रेक करेगी, क्वीन किंग का तो आइडिया नहीं है, क्वीन किंग को मारेगी नहीं। ओके क्वीन एक्सबो से भी ट्रैप हो गई है, अभी तक क्वीन की हेल्थ गई, वेट व्हाट इस अब तक जो है क्वीन की हेल्थ गई नहीं थी ना क्वीन से फाइट करते टाइम ना बाकी किसी टाइम, बट एक एक्सबो और एक कैनन के चलने से जो है क्वीन की पावर यूज़ हो गई, क्वीन काफ़ी ज़्यादा डैमेज देती है एक्सबो। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं फ्रंट साइड टाउन हॉल साइड बंदे ने काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स रखे हुए थे, हाँ इतने सारे ट्रैप्स निकल रहे थे लास्ट में। तो इसी के साथ ये भी 3 स्टार हो गया। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।